गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 127, 127, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे SST की, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 16 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, हमने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और शॉर्ट आंसर कर लिया है, तो आज हम क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात को आपको फॉलो करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे पेरेंट्स को बोलकर बुक परचेस करवा लें, या बुक्स के अलावा नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं है उन चीज़ों को भी अपने पेरेंट्स को बोल के परचेस करवा लें, क्योंकि आप लोग क्लास 3 के बच्चे हैं और इतने समझदार तो हैं ही कि आपके पास अगर किताबें नहीं होगी या कॉपी नहीं रहेगा या पेंसिल नहीं रहेगा तो आप किस प्रकार पढ़ सकोगे। तो इतनी समझ है और आपके पढ़ने में बाधाएं आ रही है तो हमें दिल लगा के पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, मेहनत से पढ़ना है, तो हमें पढ़ाई लिखाई के हर साधन का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। तो चलिए, ये तो जनरल बातें हैं जो मैं रोज़ रिपीट करती हूँ और आगे मैं बोलूँगी, इसलिए इन बातों को फॉलो करें आप, अपनाएं। अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं, तो सभी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन करेंगे। हमने इससे पहले क्या लिखा था, नोट्स नहीं, सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि बुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग ने शॉर्ट आंसर का 2-3 ही क्वेश्चन लिखा था। ओके, मतलब पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वाइस कोलकाता रिवराइन पोर्ट, कोलकाता एक पानी वाला बंदरगाह कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हमने लिखा। दूसरा क्वेश्चन लिखा व्हाट इज़ डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर यानी कि हीरा बंदरगाह क्या है उसके बारे में लिखा। और तीसरा क्वेश्चन लिखा व्हाई इज़ हावड़ा ब्रिज सो स्पेशल, हावड़ा ब्रिज क्यों ज़्यादा खास है इस बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच गया था तो वो हम आज करेंगे, तो पहले हम लॉन्ग शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 4-5 कर लेते हैं, फिर समय बचेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। तो सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन करेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखा है और इस पेज में 3 से ज्यादा लाइन है तो आप इस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर, तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर D है। ओके, तो हम हेडिंग वगैरह नहीं लिखेंगे, पहले तो रिमेंबर डाल देते हैं। रिमेंबर हम लोग ये हेडिंग लिख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, मतलब कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। तो चलिए हम लिखते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। ओके, और 4 लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो जब मैं लिखूं तो आप सभी बच्चे लिखिए, और जब मैं समझाऊं तो लिखना बंद करके मेरी तरफ ध्यान देकर समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग
नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेस ऑफ कोलकाता. कोलकाता का के कैपिटल है, ये बात तो आप तो जानते हैं, किसी भी नेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट द राइट द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेस ऑफ कोलकाता. कोलकाता के दो मीठे व्यंजन का नाम लिखना है. ओके, तो कोलकाता में मीठा व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, तो किसी भी दो का नाम हम लिखेंगे. तो हमारा आंसर है द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेस ऑफ कोलकाता आर. क्या हो जाएगा, संदेश S O N D E S H, संदेश, संदेश का S कैपिटल एंड रसगुल्ला R A S G U L L A रसगुल्ला. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेज ऑफ कोलकाता. तुम्हारा आंसर है द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेज ऑफ कोलकाता आर संदेश एंड रसगुल्ला. संदेश का एस कैपिटल, रसगुल्ला का एस कैपिटल, आर कैपिटल. ओके, बोला है जो कोलकाता शहर का जो दो मीठा व्यंजन है उसका नाम है संदेश और रसगुल्ला. ये है ना, ऐसे वहाँ चमचम भी बहुत फेमस है, मिस्टी दोई भी बहुत फेमस है, लेकिन मैंने संदेश और रसगुल्ला लिखाया. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी का फोर नंबर कंप्लीट. अब वाइप करके क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट फाइव नंबर ऑप्शन उसे लिखाऊंगी. तो एक बार फिर से पढ़ दूं, राइट द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेस ऑफ कोलकाता. तुम्हारा आंसर है द नेम्स ऑफ टू स्वीट डिशेस ऑफ कोलकाता आर संदेश एंड रसगुल्ला. क्वेश्चन नंबर फाइव है, लास्ट है. व्हाट आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता. आंसर क्या है, व्हाट आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता. कोलकाता शहर में जो सबसे प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो क्या क्या हैं, तो जो कि वहाँ के लोग मतलब पॉपुलर है, मतलब वहाँ के सभी लोग अगर यातायात करते हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले हों, जो ऑफिसेज जाने वाले हों, अपने शॉप पे जाने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए हम लिखते हैं आंसर, द पॉपुलर means of transport in Kolkata are metro metro tram tram bus
BUS बस, ETC एक्सेट्रा, ओके। तो मैं आंसर है द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता आर मेट्रो, ट्राम, बस एक्सेट्रा। मतलब जो कोलकाता शहर में यातायात करने का जो प्रसिद्ध साधन है वो है मेट्रो है, ट्राम है, बस है, टैक्सीज वगैरह है, एक्सेट्रा में टैक्सीज वगैरह आ गए इत्यादि, ये सभी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसे वाइप करूंगी तो उसे लिखूंगी। तो एक बार फिर से समझा दूं वाइप करने से पहले, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। तो फाइव है व्हाट आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता, कोलकाता शहर का सबसे प्रसिद्ध यातायात करने का क्या क्या साधन है। तो हमारा आंसर है द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता आर मेट्रो कॉमा ट्राम कॉमा बस कॉमा एक्सेट्रा फुल स्टॉप। अब हम वाइप कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर ए यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन उसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए है ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो सही ऑप्शन है उसमें हमें टिक का निशान लगाना है। तो चलिए हम लिखते हैं, तो सभी बच्चे उसी के नीचे से हाँ जो जिनके पास बुक है वो बच्चे नोटबुक को बंद कर लीजिए, आंसर क्वेश्चन जो लिखे हैं आपने उसको बंद करके बुक में पेज नंबर 127 ओपन करके बुक में ही आप आंसर लिखिएगा। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे आंसर के नीचे से ही लिखना शुरू कर देंगे नोटबुक में ही, ओके। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है कि कोलकाता इज द कैपिटल कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ, कोलकाता जो शहर है वो किस राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड या असम। तो कोलकाता कौन से राज्य की राजधानी है, किस स्टेट की कैपिटल है, तो यस हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वेस्ट बंगाल, WEST वेस्ट, BANGAL वेस्ट बंगाल है ना, तो हम टिक लगा देंगे। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स banks of the river क्या बोला है, कोलकाता is the banks of the river, कोलकाता is located on the banks of the river what, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है यानी कि बसा हुआ है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं भी जानते थे तो अपने चैप्टर में पढ़ा ही है तो जान ही लिया होगा कि कोलकाता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गंगा, यमुना, हुगली एंड ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यस हुगली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हुगली, HOGHLY हुगली हम टिक लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो हम इसे वाइप करेंगे, तब क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ जो भी अटेगा वो लिखेंगे। तो
तो वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूं, वन नंबर क्या है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, तो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता हम पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सेकेंड है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर व्हाट, तो कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। क्लियर? अब मैं वाइप कर रही हूँ, तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर ए का थर्ड नंबर ऑप्शन, ए मैसिव, एम ए एस एस आई वी ई, ए मैसिव बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन जी, बिल्डिंग मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, मेड ऑफ व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट मार्बल, एम ए आर बी एल ई, मार्बल इज द क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, ए मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ व्हाइट मार्बल इज द व्हाट, बोला है कि एक मैसिव मतलब विशाल है ना, व्यापक जो इमारत है जो कि व्हाइट मार्बल उजले पत्थर से बना हुआ है कोलकाता शहर में, वो कौन सा चीज है? तुम्हारा ऑप्शन है सन टेम्पल, नेशनल लाइब्रेरी या इंडियन म्यूजियम या विक्टोरिया मेमोरियल, तो इनमें से कौन, विक्टोरिया मेमोरियल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो क्या कहते हैं कोलकाता शहर में बड़ी सी इमारत, विशाल इमारत जो बनी हुई है जो कि उजले मार्बल उजले पत्थर से बना हुआ है, उसका क्या नाम है? विक्टोरिया मेमोरियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, वी आई सी टी ओ आर आई ए, विक्टोरिया मेमोरियल, एम ई एम ओ आर आई ए एल, विक्टोरिया मेमोरियल। ये विक्टोरिया मेमोरियल है ना, वो कलकत्ता शहर की सबसे विशाल इमारत है जो कि वाइट मार्बल यानी कि उजले पत्थर से बना हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि ए का फोर नंबर ऑप्शन लिखेंगे, वो क्या है? द डैश, द डैश इज द लार्जेस्ट, एल ए आर जी ई एस टी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट म्यूजियम, एम ई एस यू एम सॉरी एम यू एस ई एम यू एस ई यू एम, म्यूजियम इन इंडिया, क्या बोला है? द डैश इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, हमारे भारत देश की सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा विशाल म्यूजियम यानी कि अजायब घर कौन सा है, तो जो कि कोलकाता में ही है, तो उसका ऑप्शन क्या है? रेल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम या नेशनल म्यूजियम। तो सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है हमारे भारत देश का? यस, इंडियन म्यूजियम। आपने चैप्टर में ही पढ़ा है आई एन डी आई ए एन, इंडियन म्यूजियम, एम यू एस ई यू एम, म्यूजियम। म्यूजियम क्वेश्चन में भी है तो कैपिटल लेटर में उसका फर्स्ट लेटर है, तो हम इंडियन म्यूजियम में टिक लगा देंगे। और आप जैसे कि जानते हैं सभी बच्चे, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन में, अगर जिस क्वेश्चन में ब्लैंक होता है, खाली जगह होती है, उस ब्लैंक को हमें फिल करना होता है। तो कैसे फिल करना होता है? तो जिस ऑप्शन में हमें, हमने टिक लगाया, उस ऑप्शन का वर्ड हमें यहाँ लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंडियन म्यूजियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन म्यूजियम इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, यानी कि जो इंडियन म्यूजियम है जो कि कोलकाता में है, वो पूरे भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम है, अजायब घर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर ए का लास्ट फाइव नंबर ऑप्शन बचा है, तो हम उसे लिखाएंगे, इसे वाइप कर दूंगी तब लिखूंगी, लेकिन वाइप करने से पहले एक बार फिर से पढ़ दूँ।
थर्ड नंबर है, ए मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ व्हाइट मार्बल इज द व्हाट, बोले सबसे विशाल इमारत जो कि उजले पत्थर से बनी हुई है वो कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ व्हाइट मार्बल इज द विक्टोरिया मेमोरियल। जो सबसे विशाल इमारत है जो कि उजले पत्थर से बना हुआ है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द डैश इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो इंडियन म्यूजियम, द इंडियन म्यूजियम इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है जो कि कोलकाता शहर में स्थित है। अब मैं वाइट कर रही हूँ, तब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन लिखूँ। अब है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। क्या बोला है, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, कोलकाता शहर का मुख्य जो पर्व है वो कौन सा पर्व है। मतलब देखिए, वहाँ आप बोलिएगा कि हर जगह तो हर पर्व मनाया जाता है क्योंकि हर धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं ना हर एरिया हर राज्य का एक कुछ चीज़ फेमस होता है। जैसे हमारे बिहार राज्य का कौन सा पर्व फेमस है, तो छठ पर्व, छठ पूजा काफ़ी फेमस है। उसी तरीके से आपने महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में पढ़ा, तो वहाँ का कौन सा फेमस है, तो वहाँ का गणेश चतुर्थी काफ़ी फेमस है। उसी तरीके से दिल्ली में आप जाना, तो दिल्ली का दिवाली फेमस है। उसी तरीके से कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल का कौन सा मुख्य पर्व है, तो वो है ऑप्शन ए क्रिसमस, दुर्गा पूजा, ईद या होली, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यस, दुर्गा पूजा, मतलब जो वेस्ट बंगाल में खास करके दुर्गा पूजा लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, ओके, और दुर्गा की पूजा करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया दुर्गा पूजा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, कोलकाता शहर का सबसे मुख्य जो पर्व है वो कौन सा पर्व है, तो दुर्गा पूजा। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, तो दुर्गा पूजा। तो हम इतना ही रहने देते हैं, अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप करती हूँ। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो इसका मैंने प्रीवियस क्लास में 3 क्वेश्चन लिखा दिया था, 1, 2, 3 करा दिया था, और आज मैंने 4, 5 यानी कि 2 ही क्वेश्चन कराया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 में से जिन बच्चों को जो चीज़ नहीं आते उसे भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे, और 4, 5 को तो याद करना ही करना है, और क्वेश्चन नंबर ए यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन इसे भी याद कीजिएगा, ओके। तो आपका होमवर्क क्या है, फिर से बोल दूं, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड डी ऑफ चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर ए और डी नंबर वाला भी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर भी, ओके। अब मैं अपने क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। जब मैं क्लास स्टॉप करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा जो गुड हैबिट टिप है वो है बींग नाइस, अच्छे बनने के लिए वो क्या है, बी पोलाइट, प्लेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें हमेशा नर्म होना चाहिए, प्लेजेंट एकदम खुशनुमा, हमें हमेशा खुशहाल रहना चाहिए, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहना चाहिए, एंड ट्रूथफुल सच्चाई पूर्वक रहना चाहिए। मतलब हम कुछ भी बोलें वो सच्ची बातें होनी चाहिए, ईमानदारी से हर काम को करना चाहिए, सभी के साथ नर्म बोली का व्यवहार करना चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए, ओके। यानी कि उदास होकर किसी को भी झाड़ दिया, डांट दिया, मार दिया, ये नहीं, ऐसा रहना चाहिए कि सामने वाला हमसे इंस्पायर होके अपनी लाइफ को उसी तरीके से गुजारे, ओके। तो हमें अच्छे बनने के लिए क्या करना है, तो बी पोलाइट प्लीजेंट, है ना, बी पोलाइट प्लीजेंट ट्रूथफुल, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें हमेशा पोलाइट यानी कि नर्म बोली का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट खुश रहना है, उसके बाद हमें ये ऑनेस्ट ईमानदार रहना है, और ट्रूथफुल सच्चाई पूर्वक रहना है ना, ये रहना। तो आप कौन से गुड हैबिट फॉलो करेंगे, और जो भी गुड हैबिट मैं आपको देती हूँ आप पहले खुद उसे अपनाएं और रोज़मर्रा के जीवन में उसका पालन करें, और दूसरे बच्चे को, दूसरे लोगों को बताएं,
ओके तो फिर से रिपीट कर दूँ, बी पोलाइट प्लीजेंट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर डी इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।